नमस्कार। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड को किस तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उसके लिए मैं आपका परिचय दो चेहरों से करवाना चाहूंगा। अक्षय कुमार, जिनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान रिलीज होने वाली है, और आमिर खान, जिनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा अगस्त में जाके रिलीज होगी। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल क्लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, और उसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा और यह दावा करना चाहूंगा कि इस फिल्म के जरिए भी कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का प्रोपेगेंडा आगे फैलाने का प्रयास है। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। अक्षय कुमार और फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी पत्रकारों के लिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर आप इस तस्वीर पर गौर करें तो इसमें से टाइम्स नाउ की संपादक दिखाई देती हैं। अक्षय और डॉक्टर द्विवेदी के बीच जो पत्रकार खड़ा है वो जी न्यूज का संपादक है। ये तिहाड़ जेल जाकर पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, और सबसे इस तरफ आप देख रहे हैं न्यूज 18 का एक पत्रकार, यानी कि अक्षय कुमार पत्रकारों के लिए भी स्क्रीनिंग करते हैं, तो उन पत्रकारों के लिए जो भाजपा के प्रोपेगेंडा को आगे फैलाते हैं, जिन्हें हम गोदी पत्रकार कहते हैं, जो अपने प्राइम टाइम में जहरीले हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने की शोज करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, और इनमें से कई तो फेक न्यूज का प्रचार प्रसार भी करते हैं। अब अमित शाह के लिए अक्षय कुमार ने इसकी खास स्क्रीनिंग करवाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी इसकी स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, यानी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान खास तौर से, चाहे गृहमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या इस सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पालतू गुल्लू कालू मीडिया हो, उनके लिए करवाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने तो काफी ढूंढा, इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अक्षय कुमार ने किसी भी विपक्ष के मुख्यमंत्री के लिए कोई प्राइवेट स्क्रीनिंग नहीं करवाई। वो मुंबई से आते हैं ना। सीधा सा सवाल, क्या उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए कोई स्क्रीनिंग करवाई, प्राइवेट स्क्रीनिंग कराई? क्योंकि देखिए, मुंबई तो उनकी कर्मस्थली है ना, बॉलीवुड उनकी कर्मस्थली है, तो मैं समझना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने विशेष स्क्रीनिंग क्यों नहीं करवाई। चलिए उद्धव ठाकरे छोड़िए, पृथ्वीराज चौहान तो दिल्ली के महाराज थे ना, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अक्षय कुमार ने प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया, या फिर चूंकि हम राजपूतों की बात कर रहे हैं, बड़ा प्रश्न, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्राइवेट स्क्रीनिंग के लिए अब तक आमंत्रित किया गया है? जवाब आपको भी पता है। इन तमाम चीजों से क्या पता चल रहा है, इस पर आप गौर कीजिए, और बात वहां नहीं रुकती। ANI को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने एक दावा किया। उन्होंने क्या दावा किया कि हमारे इतिहास की किताबों में, बचपन में पढ़ाई गई किताबों में, हिंदू राजाओं का कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ मुगलों का ही जिक्र है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो एक या दो पंक्तियां हैं। मैं नहीं भूला हूं हिंदुस्तान टाइम्स का उनका वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मेरी मां को मेरी ये बात पसंद नहीं आती थी। काश अक्षय आपने अपनी मां की बात सुनी होती। सबसे पहले यह है NCERT की किताब, आप देख सकते हैं सातवीं कक्षा में, पूरा जिक्र है पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी की प्रेम कहानी और उनकी पूरी गाथा के बारे में। एक और बात, ये हैं पंडित नेहरू, आपको याद है इन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमूमन नेहरू को पानी पी पी कर गाली देती है, मगर आप अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें, और आपको याद होगा श्याम बेनेगल ने उस पर एक सीरियल भी बनाया था दूरदर्शन के लिए 90 के दशक में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में, यानी कि महाभारत रामायण तमाम चीजों का जिक्र था। वो नेहरू जिन्हें वामपंथी, समाजवादी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजते हैं। और यही नहीं, अब मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो हिस्टोरियन अद्वैत के ट्विटर हैंडल से मुझे हासिल हुई है। इसमें मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कक्षा 6 में
एनसीईआरटी के इतिहास में 11 चैप्टर्स थे, 11 अध्याय थे। कक्षा 7 में एनसीईआरटी में 10 अध्याय 10 चैप्टर्स थे। कक्षा 8 में इतिहास में एनसीईआरटी के 12 चैप्टर्स थे और इन 33 चैप्टर्स में मुगलों के सिर्फ 2 चैप्टर्स थे, वो भी 7वीं कक्षा में, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो मैं समझना चाहता हूं अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान को लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उसी बीजेपी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके जरिए ये बतलाना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस ने और 2014 से पहले हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप खुद महाराणा प्रताप के बारे में कहां से जानते हैं, शिवाजी के बारे में कहां से जानते हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य के बारे में कहां पढ़ा है आपने? क्या पड़ोस की दाई आई थी आपको उनके बारे में पढ़ाने के लिए, या आपने वो तमाम चीजें अपने इतिहास की किताबों में पढ़ी? इन लोगों का दावा है कि जो आक्रमणकारी थे उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम मुगल राजाओं में किन मुगल राजाओं को हीरो के तौर पर देखा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था और रंगून में उनकी मौत हुई थी। औरंगजेब को कोई अपना हीरो नहीं मानता, कुछ लोग मानते होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर का सिर कलम किया था उन्होंने चांदनी चौक शीशगंज में, क्योंकि शिवाजी के बेटे संभाजी को टॉर्चर किया था, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए थे। इतिहास में इन तमाम चीजों का जिक्र है। तो मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, वैसे भी औरंगजेब से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, मगर ये लोग हमलावर नहीं थे, ये लोग यहीं बस गए थे। अकबर यहीं बस गए थे, शाहजहां यहां बस गए थे, जहांगीर यहां बस गए थे, और ये तमाम लोग मिलकर भारतीय संस्कृति बनाते हैं। शिवाजी और औरंगजेब में जंग चल रही होगी, महाराणा प्रताप और अकबर में जंग चल रही होगी, मगर ये तमाम लोगों का समावेश भारतीय इतिहास बनाता है। और इन तमाम चीजों को झूठा साबित करना चाहते हैं ये लोग, ये प्रचार तंत्र। इस कार्यक्रम का मकसद है यह बताना कि बॉलीवुड को किस तरह से हथियार बनाकर पेश किया जा रहा है। निशाने पर आमिर खान की आने वाली फिल्म है लाल सिंह चड्ढा। क्यों? क्योंकि इसमें आमिर खान है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गुजरात दंगों में उनके किरदार पर आमिर खान ने सवाल उठाए थे, नर्मदा आंदोलन में उन्होंने मेधा पाटकर का साथ दिया था। यही वजह है कि उनकी फिल्म फना को गुजरात में नहीं रिलीज होने दिया गया। इस फिल्म के अंदर करीना कपूर खान है, जिनकी शादी सैफ अली खान से हुई, जिनके बेटे का नाम तैमूर था। अब जाहिर सी बात है इस फिल्म को लेकर आपत्ति होगी। शाहरुख की फिल्म आ रही है पठान, इसके बारे में भी अभी से एक हवा फैलाई जा रही है, इसे बॉयकॉट करना है, बॉयकॉट करना है। यानी कि निशाने पर दोनों खान हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है। और आमिर खान तो चलिए छोड़िए, शाहरुख को तो इस तरह से निशाना साधा गया कि उनके बेकसूर बेटे पर निशाना साधा, जिसे पहले अदालत और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने उनके बेटे को टॉर्चर किया था, उन्होंने खुद ने शाहरुख के बेटे को क्लीन चिट दे दी। इससे क्या पता चलता है कि बॉलीवुड के अंदर खान्स को टारगेट करना और फिर अपने कुछ चिने हुए अभिनेताओं निर्देशकों के जरिए अपनी प्रोपेगेंडा को आगे फैलाना। कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म के अंदर अर्ध सत्य पेश किया गया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के अंदर निर्देशक ने यह बताया कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, जो कि हुआ है, उन्हें पलायन करना पड़ा, जो कि हुआ है। मगर क्या इस फिल्म के निर्देशक ने यह बतलाने का प्रयास किया कि आतंकवादियों के हाथ मुसलमान भी मारे गए? क्या इन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब भाजपा का एक भी नेता उनसे मिलने नहीं गया, उल्टा उन्होंने रामरथ यात्रा निकाल दी? क्या इन्होंने बतलाने का प्रयास किया कि पिछले 7 सालों से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो एक बार भी किसी भी कश्मीरी पंडित रिहायशी शिविर में कश्मीरी पंडितों से मिलने नहीं गए? और आप जानते हैं कल एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई, कुछ दिनों पहले राहुल भट्ट की गई थी, अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की हत्या चली आ रही है। वो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं,
मगर इनकी व्यथा को कोई मेनस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। कोई विवेक अग्निहोत्री, कोई अनुपम खेर इस मुद्दे को लेकर भाजपा को कटघरे में नहीं खड़ा कर रही है। जब वो कश्मीरी पंडित हाल ही के दिनों में सड़क पर थे तो उन पर लाठियां चलाई गई, वो तस्वीरें याद है कि नहीं आपको? देखिए, मैं आपको सिर्फ यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये तमाम फिल्म्स सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है और भाजपा बॉलीवुड को हथियार बना रहा है, जहां बॉलीवुड के अंदर भी वो उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिसे वो पसंद नहीं करता। मैं आपको एक और शख्स से मिलवाना चाहूंगा, इनका नाम है विपुल अमृतलाल शाह। आप जानते हैं ये एक फिल्म बनाने वाले हैं आईएसआईएस पर, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर, मगर उसकी पृष्ठभूमि है केरल। इसमें ये महाशय ये बतलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से केरल की हिंदू महिलाओं को आईएसआईएस के आतंकवादी यातना देते हैं, अपना सेक्स स्लेव बनाते हैं और उन पर जो तमाम यातनाएं की जाती हैं हिंदू महिलाएं। यह है फिल्म का थीम, एक तीर से दो निशाने। पहला, जैसे कि आप जानते हैं केरल के अंदर वामपंथी सरकार है तो निशाना साधा जाएगा और यह उनका दूसरा टर्म है। दूसरा, हिंदू महिलाओं को आईएसआईएस आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं, वो आईएसआईएस आतंकवादी जो मुसलमान भी हैं, जैसे कि आईएसआईएस आतंकवादियों ने कभी भी मुसलमान केरल की महिलाओं को अपना गुलाम नहीं बनाया या ईसाई महिलाओं को अपना गुलाम नहीं बनाया। यहां पर फोकस हिंदू केरल की महिलाओं पर है, केरल की हिंदू महिलाओं पर है, यानी कि एक और प्रोपेगेंडा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं है, मगर आने वाली कई ऐसी फिल्में हैं, मसलन विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाई है, उनकी अगली फिल्म 1984 के दंगों पर है। और जाहिर सी बात है कटघरे में उस वक्त की कांग्रेस सरकार होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। इस तरह से उन्होंने उस कत्लेआम को जायज ठहराने का प्रयास किया था। मैं उस वक्त दिल्ली में था दोस्तों, जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, जब उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने आंखें मूंद ली थी, जब यह आरोप लगा था कि उनके कई नेता जो है खुद उस कत्लेआम में शामिल थे, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मगर क्या विवेक अग्निहोत्री में हिम्मत है कि वो गुजरात दंगों पर फिल्म बनाए? चुनौती है मेरी, हिम्मत है तुम्हारी? जिसका करियर भाजपा के रहमो करम पर हो वो थोड़ा ऐसी फिल्में बनाने वाला है। तो आज कार्यक्रम का मकसद आपको यही था बतलाना कि किस तरह से हथियार बनाया जा चुका है बॉलीवुड को, चाहे उनके अभिनेता हों, चाहे फिल्में हों, और टारगेट पर हैं इस तरह के तमाम एक्टर्स, चाहे शाहरुख हों, चाहे आमिर हों, चाहे दीपिका पाडुकोन हों, चाहे अनुराग कश्यप हों, चाहे स्वरा भास्कर हों, इन तमाम लोगों पर निशाना साधा जा रहा है जो भाजपा के आलोचक हैं या उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि इनमें से कुछ तो भाजपा के बारे में कुछ बोलते भी नहीं है। खैर, मगर इस मंच पर हम आपके सामने हकीकत लाते हैं, आगे भी लाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।